हे फैमिली, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल मिस्टर एंड मिसेस प्रशून। तो दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद हम दोनों कर रहे हैं वेलकम, और निशा भी बहुत प्रिटी लग रही है। और गाइज, आज तो आईफोन से हो रहा है। किसी ने कमेंट किया था कि आप डेली एक ही कपड़ा पहन ले, तो मैं बता दूं, ठंड का दिन है तो शॉल तो एक ही ओढ़ेंगे ना। शॉल अब डेली वॉश करेंगे तो कैसे होगा। और गाइस, अभी सवा महीना बाद ये रूम से निकलेंगी। एक महीना से तो ऊपर हो ही गया, 10 दिन मतलब एक दिन गैप करके नहाती हूँ। वैसे तो मम्मी मना करती है, फिर भी जितना हो पाता है मैं डेली थोड़ा बहुत नहा लेती हूँ। तो गाइस, चलिए, ये तो डेली ब्लॉग्स का चीज़ है, चलता रहेगा। बट आपको ये ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है कि ये ब्लॉग क्यों स्पेशल है ये बताएंगी निशा। तो मैं आज सोच रही हूँ आप लोग को अपना जो ज्वेलरी कलेक्शन है वो दिखाऊंगी, जो कुछ कुछ गोल्ड की जो ज्वेलरीज है जो मुझे ससुराल से मिली हुई है, और जो मेरे मायके वाले भी, मतलब जो मतलब अभी नीचे रखा हुआ है मैंने अपने पास जो डिलीवर करते हैं, वो कुछ ज्वेलरीज आप लोगों को दिखाऊंगी। क्योंकि जब मैंने पहना हुआ था पार्टीज़ में, तो आप लोगों ने कमेंट किया था कि दीदी इसका डिज़ाइन दिखाना, तो वहाँ पे तो पॉसिबल नहीं हो पाया। यहाँ पे आज फ्री हूँ तो सोच रही हूँ आज आप लोग को दिखा देती हूँ थोड़ा बहुत क्लोज से उन लोगों का डिज़ाइंस, और देखिए पहले फिर बताइए आप लोगों को कैसा लगता है। तो दोस्तों, वो तो चले गए हैं स्कूल, बाकी बाबू सो रही है तो धीरे धीरे बोल रही हूँ इसीलिए। तो एक एक करके ज्वेलरीज दिखाती हूँ। कुछ कुछ ही हैं जो मेरे पास अभी रखे हुए थे, जो मैंने वेयर किया हुआ था अम्बाला के फंक्शन में, तो वो सभी दिखाऊँगी। क्योंकि अभी बाकी सारा अलमीरा में रखा हुआ है, तो बाबू को अकेले छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, इसीलिए जो हाथ के सामने था वही बस दिखा रही हूँ। क्योंकि आप लोगों ने उसी का डिमांड किया था कि दीदी इयर रिंग या फिर नेकलेस वो सब दिखा देना, तो वो सब सामने है। तो चले एक एक करके देख लेते हैं और बताते हैं कि कौन कहाँ का है। तो ये रहा फर्स्ट नेकलेस, ही दिखाती हूँ अपना। ये नेकलेस बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि ये मुझे शादी के टाइम चढ़ा था, ससुराल से मिला हुआ था। तो ये इसका लुक देख लीजिए, करीब से थोड़ा देख, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है ये वाला नेकपीस मेरे लिए। क्योंकि जब शादी हो रहा था तब ये चढ़ा हुआ था, एंड ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जब मैंने ये वेयर नहीं किया हो। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये डिज़ाइन, बहुत ही अच्छा लगता है पहनना इसे, तो काफ़ी ज़्यादा खास है ये। और नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या दिखाऊँ, मंगलसूत्र अपना दिखाती हूँ जो मुझे महाराज ने पहनाया हुआ था। तो नेक्स्ट है मेरा जो ये वाला है मंगलसूत्र, और मुझे तो ये ज्वेलरी से ज़्यादा ना इसमें जो लाइट्स लगी हुई है वो पसंद आता है, क्योंकि खुलते ही मैजिक जैसा लाइट्स निकल जाते हैं। तो ये रहा मेरा मंगलसूत्र जो मैंने पहनाया था, ये भी मैं डेली वेयर नहीं करती हूँ, जब भी कोई फंक्शन वगैरह हो तभी पहनती हूँ। और ये रहा इसका खूब सुंदर सा डिज़ाइन, आई होप आप लोग को भी ये सारे डिज़ाइंस पसंद आएंगे। ये जो मंगलसूत्र है ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका जो लॉकेट है ना, मतलब मीडियम साइज में, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, क्योंकि मैं उतनी ज़्यादा हेल्दी या फिर ज़्यादा वो नहीं हूँ, तो मुझे हल्का ज्वेलरी ही पसंद है। मुझे वैसे मैं बता दूँ, मुझे गोल्ड से ज़्यादा डायमंड पसंद है। तो वैसे ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, और इसमें जो ये सारे लगे हुए हैं ना चेन्स, ये सारे गोल्ड के ही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। और हर औरत के लिए मंगलसूत्र कितना स्पेशल होता है ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो इसको सजा देते हैं ऐसे बॉक्स में, इसको सुला देते हैं एक एक करके। काफ़ी ज़्यादा अच्छे से और संभाल के रखना पड़ता है, और इसको मतलब थोड़ा सा ध्यान से रखना पड़ता है, वरना अगर मुड़ जाए ना तो इनके तो ये टूटने के चांसेस रहते हैं। तो इसको अच्छे से पहन के दिन अच्छे से बॉक्स में भी डाल देती हूँ। ये हो गया दूसरा वाला मेरा ज्वेलरी जो मैंने बाबू के उसमें पहना हुआ था। उससे पहले मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी, बट अभी ब्लॉग बना रही हूँ तो आप लोग का हर एक सवाल का जवाब देना ज़रूरी होता है, तो इस कारण से मैं शौक दिखा रही हूँ अपना। नेक्स्ट इज़ मैं ये नेक्स्ट इज़ ये नथिया, ये नथिया तो बहुत स्पेशल है मेरे लिए, और मुझे इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लोगों ने देखा होगा। बट एक बार अभी करीब से दिखा देती हूँ। तो ये रहा मेरा नथिया, ये देखिए मेरा नथिया। तो ये नथिया काफ़ी ज़्यादा ही सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसका जो ये साइड में जो इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, इसका कुछ नाम है, जो चेन बोलते हैं शायद इसको,
तो ये चेन भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसका बहुत सारा डिज़ाइन था। जब ये मैं बता दूँ पहले कि ये तो मेरे घर से मिला था शादी के टाइम पे, तो मेरे पापा ने जो दिया था वो है। तो ये जब मैं गई थी ना लेने तो इसका बहुत सारा डिज़ाइन रहता, बट मुझे ये वाला डिज़ाइन बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था तो मैंने ये लगा था, और मैं इसे ऐसे पहन लेती हूँ। एक बार पहन के भी दिखाती हूँ। और इस नथिया के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, वो मेरे देवर लोग बताएंगे आपको। मेरा नाम नथिया वाला भौजी रख दिए थे भाभी ऐसे करके, और मुझे ये पहनती हूँ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है खाने पीने में, तो इसीलिए इसको, लेकिन जब इसको बहुत मन करता है पहनने बट खाने में दिक्कत होता है तो इसलिए कम पहनती हूँ, बट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये जब होठ में ऐसा लगता है ना तो बहुत से, और सुंदर भी लग रही हूँ शायद मैं अभी, तो इसको उतार देती हूँ। और ये मैंने कोलकाता से लिया हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसका जो नेक पीस है वो मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी, जो वहाँ से मिला हुआ था मायके के। ये खैर ये रहा मेरा मायके का ज्वेलरी, तो इसको भी अच्छे से रख देती हूँ मैं। नेक्स्ट आपको क्यों, आप लोग को शायद नहीं पता होगा, आप बहुतों को पता होगा कि जब भी हम लोग गर्मी के दिन में ज्वेलरी पहनते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, मतलब बहुत ज़्यादा स्वेटिंग वगैरह जिसे होती है तो उसे क्या करते हैं हम लोग, ऐसे ही रख देते हैं बॉक्स के अंदर। उसको ऐसे नहीं रखना चाहिए, उसको अच्छे से कॉटन से पोंछ के, थोड़ा सा स्पिरिट से या फिर सैनिटाइज़र से आप पोंछ सकते हैं, उसको पोंछ के देन उसको बॉक्स के अंदर, तो फिर उसका शाइन जो है मेंटेन रहता है। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, और इसे देखिए कितना अभी भी चमक रहा है। वैसे तो गोल्ड ऐसे ही चमकेगा बट और भी इसका चमक बरकरार रहेगा, तो इसे भी अब रख देती हूँ। नेक्स्ट मैं दिखाऊँगी अपना टीका। टीका तो खैर मैंने नहीं पहना हुआ था, छठ पूजा में पहना हुआ था, आप लोगों ने छठ पूजा वाले ब्लॉग में दिखाया होगा। तो नेक्स्ट वन इज़ माय टीका, जो कि दिखा देती हूँ पहले, फिर भी इसके बारे में बताती हूँ। ये रहा मेरा टीका, और ये वाला टीका भी मुझे मेरे ससुराल से मिला हुआ था, मतलब चढ़ा था शादी के टाइम में, तो इसे भी मैं काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ, और इसे ऐसे लगा के दिखाती हूँ। वाओ कितना सुंदर लग रहा है। तो इसको भी सब पहन कर रहे, अभी सब फिर से पहन के तैयार हो जाऊँ, बट नहीं हो सकता है, कभी और तैयार होंगे, जल्दी तैयार होंगे, कब होंगे, अपने देवर के एंगेजमेंट में फिर से तैयार होंगे, अभी तो वही आने वाला है। तो ये वाला भी मुझे बहुत पसंद है, सारे ज्वेलरी मुझे बहुत पसंद है, और भी बहुत सारे हैं लेकिन धीरे धीरे दिखाएंगे आपको। और इसे भी एक बार फिर से करीब से देख लीजिए कितना प्यारा है ये डिज़ाइन जो है ना, मुझे तितली जैसा डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और मुझे जो मायके से मिला था इयर रिंग, ये टीका, वो सब सेट है, मैचिंग है, तो उसको भी दिखाऊँगी। और ये सब इसका सेट है, इसका मैचिंग है, तो इस सब का अलग है। तो चलिए अब इसको भी बॉक्स के अंदर सेट कर देते हैं एक एक करके, आराम से थोड़ा सा रखना पड़ता है, डर लगता है मुझे, तो वैसे इसको भी बॉक्स के अंदर सेट कर दिया। और अगला वाला जो इयर रिंग मैं एक अगला वाला जो है ज्वेलरी, वो बहुत ख़ास है, बहुत स्पेशल है मेरे लिए, तो क्योंकि मैंने वो लिया हुआ था खुद से, तो ये इयर रिंग है एक जो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये मैंने लिया हुआ था अपने शॉप में से, क्योंकि हम लोग का शॉप का अभी रिसेंटली ओपनिंग हुआ, पहले हम लोग का शॉप नहीं हुआ करता था बट अभी हम लोग का शॉप हुआ है, तो शॉप में से मैंने ये प्यारा सा इयर रिंग लिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा है। इसका जो ये लटकन जैसा है ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है, इतने सारे चेंज जैसे, ऐसे करीब से देखे तो हाथ पर रखने से ऐसा कुछ दिखेगा। इसमें जो नीचे हार्ट शेप, और इसे साड़ी पे पहनो या फिर सूट पे भी पहनो, दिवाली के दिन मैंने इसे पहना हुआ था वहाँ पे, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। रिया ने बोला कि दीदी आप यही वाला इयर रिंग्स डाल लो, तो दिवाली के दिन मैंने यही वाला इयर रिंग्स डाला हुआ था, यहाँ तक सोच रही हूँ एक और इयर रिंग्स लूँगी, इतना तक। आप लोग बताइएगा या फिर डिज़ाइन सजेस्ट कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा मुझे थोड़ा लॉन्ग का इयर रिंग्स पसंद है। ये पिछला वाला भी इयर रिंग्स मम्मी जी ने जो दिया था वो भी लॉन्ग है, ये वाला उससे थोड़ा सा लॉन्ग है, और एक सोच रहा है लेंगे जो कि यहाँ तक एकदम लटकेगा, अच्छा लगेगा दिखने में, मस्त काफ़ी ज़्यादा।
तो गाइज ये रहा आज का सारा मेरा ज्वेलरी, वैसे और भी बहुत सारे, ओ सॉरी एक पायल भी दिखाना है आप लोगों को, रुक रुक। तो पायल भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये मुझे ये भी चढ़ा हुआ था। कितना कलरफुल है देख लीजिए, और बहुत ज़्यादा हेवी भी है। इसे आई थिंक पाओजेब भी बोलते हैं, है ना? इसे क्या बोलते हैं, मुझे आधा ज्वेलरी का नाम ही नहीं पता होता है क्या किसे क्या बोलते हैं। बाकी ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और काफ़ी ज़्यादा हेवी है, बहुत ज़्यादा हेवी है। तो इसे मैं बहुत कम ही वेयर करती हूँ क्योंकि इतना भारी भारी, मैंने पहले ही बताया कि ज़्यादा भारी हेवी ज्वेलरी मैं नहीं वेयर करती हूँ, तो इसे कभी कभार ही पहनती। वैसे इसे मैंने फ़र्स्ट टाइम अभी के व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, तीज के टाइम पे मैंने इसे फ़र्स्ट टाइम पहना हुआ था। और एक है जो कि हमेशा पहनती हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा हेवी है, तो उसे ही पहनती हूँ। वैसे पायल तो मेरे पास बहुत है, लेकिन ये वाला पायल जो है ये शादी में चढ़ा हुआ था, तो ये वाला कितना कलरफुल है, बहुत ज़्यादा प्यारा है, लेकिन ये उतना बजता नहीं है। मुझे थोड़ा पायल पहने तो आवाज़ जो बजे जिसमें बहुत सारा घुंघरू हो, तो मैं वो वाला ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसीलिए वही वाला पहनती हूँ। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बस एक बिछिया दिखा के इस वीडियो को एंड करने वाली हूँ। तो ये बिछिया भी अभी रिसेंटली लिया हुआ था, तीज के मौके पर ही मैंने पहना हुआ था। तो ये रहा वो प्यारा सा बिछिया, इसमें ये सारे स्टोन्स लगे हुए हैं, और बीच में इसे मैं, मुझे तो मन करता है कभी कभी मैं इसे अंगूठी के रूप में भी पहन लूँ ऐसे करके। अरे यार वाह, इसे तो मैं ऐसे करके भी पहन सकती हूँ, कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो यही रहा आज का मेरा कलेक्शन, फिर से कभी दिखाऊंगी अपने पूरा सिल्वर का कलेक्शन, पूरा गोल्ड का कलेक्शन, जो कि अभी मेरे पास तो सारा मतलब पास में नहीं रखा हुआ, तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया, तो कभी फुर्सत से सारा ज्वेलरी अच्छे से फिर से दिखाऊंगी, गोल्ड सिल्वर दोनों, और डायमंड भी दिखाऊंगी। कुछ कुछ डायमंड तो कोलकाता में भी है, तो कोलकाता जाएंगे तो वहाँ से भी लेके आएंगे सारा। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं पे एंड, मिलते हैं कल एक नए फ्रेश ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल। और हाँ, ज्वेलरी का डिज़ाइन कैसा लगा ये प्लीज़ अब लोग आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं सबसे।